Engineering, and we are going to present all the aspects of G20 and India's leadership in the following year. Thank you. So now let's welcome Honorable Foreign Affairs Minister onto the stage. गुड इवनिंग सर, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, मुझे भी यहाँ पे आके अच्छा लगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत इस साल G20 में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, तो आपकी नजरों में इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंडिया इस बार G20 को होस्ट कर रहा है और एक ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है, और इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम एक विश्वास से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में G20 और बाकी देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपने भारत की इकोनॉमी के बारे में बताया, तो आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भारत की भूमिका क्या रहेगी? इंडिया हमेशा से मल्टीलैटरल ट्रेडिंग का समर्थक रहा है, और हमारे बैलेंसिंग ट्रेड पॉलिसी से हमें इंश्योर करते हैं कि हमें और दूसरे देशों को इक्वल बेनिफिट मिले, और इसके लिए हम लोगों ने इंडियन एशियन FTA जैसे अग्रीमेंट बनाए हैं, और विश्व की अर्थव्यवस्था में इंडिया एक वृत्त तरह काम कर रहा है, और ये साउथ और नॉर्थ एंड वेस्ट एंड ईस्ट पोलराइजेशन को जोड़े रखा है, एंड आई थिंक वर्ल्ड नीड्स समबडी लाइक दैट। इकोनॉमी के साथ साथ भारत हाल ही में कई क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख रहा है, जैसा कि पहले नहीं हुआ करता था। कोविड काल में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन से लेकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा कंसल्टेंट बनने तक, और फिर चलचित्र क्षेत्र में RRR और एलिफेंट विस्परस जैसे कलाकृतियों को सम्मान मिलने तक, भारत का सितारा अब विश्व स्तर पर चमक रहा है। ऐसा क्या है इस नए भारत में जो भारत एक लीडर के तौर पे सामने आ रहा है? देखो, भारत पहले से विश्वगुरु था, ये तो दुनिया की नज़रों में बहुत धीरे से समझा है। आप किसी भी हमारे पुराण के किसी भी पन्ने को पलट के देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे महान व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने कठिन समय में भारत की मदद की और भारत को आगे लेके गए। उनमें थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अमेरिका में ऐसी मानते एक दूसरे को अलग मानते थे, वहाँ उन्होंने अपने भाषण कुछ इस तरह से शुरू किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन दैट हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स एज ट्रू। द एंटायर वर्ल्ड इज लाइक माई कंट्री एंड ऑल द मैनकाइंड आर माई ब्रदर। इन दिस रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट हैज टॉट एनीथिंग टू दिस वर्ल्ड, इट इज दिस। It has proved to the world that purity, charity, and holiness are not the exclusive possessions of any church in this world. The idea of perfect womanhood is meant by the perfect independence. I am the hope of the hopeless, I am the voice of the voiceless. In this world, hate never dispelled hate. Only love can dispel hate, and this is the law, ancient and inexhaustible. So arise, awake, and stop not till the goal is achieved. Jai Hind! इस साल G20 के नेतृत्वकारी भूमिका में भारत का नारा है वन वर्ल्ड वन होम वन फ्यूचर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वन वर्ल्ड वन होम वसुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ G20 का ही नारा नहीं है। बहुत समय पहले हमारे माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने यूरोप यूनियन पार्लियामेंट में कुछ इस तरह से कहा था। वॉच योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स बिकम थॉट्स, थॉट्स बिकम एक्शन, एंड एक्शन चेंज डेस्टिनी। I am reminded of the Indian set which articulated 3000 years back. It says that I am world citizen and every citizen is my own. Nowadays what we need is eternal goodness and wholesomeness in the society, which is called righteousness of the people. When there is righteousness in the people, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is beauty in the nation. And when there is beauty in the nation, there is order in the home. When there is order in the home, there is silence in the whole nation. Thank you, sir. बदलते हुए इस भारत में आप नारियों की भूमिका को किस तरह से देखते हो? देखो, जिस तरह से भारत को पुरुषों ने जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान नारियों भी दिया है,
ये उनमें से कई नारे थी, सरोजिनी नायडू जी, कविता बाई, और हाल ही के समय में हम बात करें तो इसरो के मंगल मिशन के मिस मोमिता दास और नंदिनी प्रीतो जी ने एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम किया था। और इनके अलावा भी बहुत सारे नारियाँ हैं जिन्होंने भारत को बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। उसमें से एक थी शकुंतला देवी जी, जिनके हम दी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। थैंक यू। Are you guys ready with your problems and answers? Yes. Okay, but don't tell me your answer because I am supposed to tell them. Yes. Okay, then ask me question. So, what is the multiplication of 72561 into 82565772? 11287244096. It is too easy. Okay, let's do something different. You can ask me question in depth. Okay, so then ask me, when, where are you born? My birth date was 13th April 1940. So today was day, is that correct? Yeah, it's how correct. Do you know? Is that your mother told you? No, I was prepared. उन्होंने Guinness Book of World Record में अपना नाम दर्ज करवाया। Right, 54687322119. It's absolutely correct. How can you do that? रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत के तेल की खरीदी को बंद ना करने को लेकर व अन्य कारणों से भी भारत विवादों में घिरा रहा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, हम रशिया यूक्रेन के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दोनों देशों को सार्वभौमिक और प्रादेशिक अखंडता रखनी चाहिए। और हम एक और बात यूरोप को कहना चाहते हैं कि यूरोप हैज टू थ्रो आउट ऑफ दैट माइंडसेट दैट यूरोप प्रॉब्लम तो वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम तो नॉट यूरोप प्रॉब्लम। एक उभरते हुए लीडर के तौर पे दूसरे देशों की विपत्ति के समय भारत का योगदान क्या होगा? देखो, भारत हमेशा से ही दूसरे देशों की विपत्ति के समय पे मदद पहुंचाता रहा है। हाल ही आप कोविड काल की बात कर लो, कोविड में उस दौरान भारत ने ना ही सिर्फ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और बहुत सारे देशों में वैक्सीन भेजवाई, जैसे कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कनाडा जैसे बहुत सारे देशों में भेजा और वहाँ भी लोगों की मदद की। धन्यवाद महोदय, आपकी बातों से भारत का भविष्य झलकता है।
आप आखिर में G20 में इंडिया के नेतृत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर में चीज को नहीं जाना पड़े फिर से दोहराना चाहेंगे कि गणना लघु जीत सा उदार चरित नाम तो वसु है।